तमन्ना भाटिया को मिलेगा दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की फिल्मी जगत की दुनिया में आपका बेहद स्वागत है। अभी हाल ही में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को जी अप्सरा अवार्ड में श्रीदेवी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अब उन्हें बाहुबली द बिगनिंग में उनके जरिए निभाए गए किरदार के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई में स्थित दादा साहब फाल्के फाउंडेशन के जरिए 21 अप्रैल को अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को निर्माता के तौर पर उनकी शुरुआत और अभिनेता रणवीर सिंह को पद्मावत में बेहतरीन अभिनय करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। तमन्ना भाटिया का इस बारे में कहना है कि मैं भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के की विशाल भागीदारी के बारे में जानकर बड़ी हुई हूँ। फाउंडेशन से पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा तमन्ना भाटिया बहुत जल्द तेलुगु फिल्म नानुए में नजर आने वाली हैं। ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म क्वीन की रीमेक है। तमन्ना ने बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन फिलहाल उनको दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड मिल रहा है तो उससे ये तो तय है कि तमन्ना भाटिया एक बेहतरीन अदाकारा हैं। चैनल की तरफ से उनके इस अचीवमेंट के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए फिल्मी जगत की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।